खबर यूपी के चंदौली से है। यहाँ बीती रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। घटना में बोलेरो में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वाराणसी ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें, दरअसल चकिया कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर निवासी कमलेश के पुत्र को सांप के काटने के बाद परिजनों द्वारा बोलेरो से चकिया के बलिया खुद ले जाया गया था। बलिया खुद गांव से डॉक्टर अवधेश शव को लेकर सती माई के मंदिर आ रहे थे। रास्ते में कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास बोलेरो एक पेड़ से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही चकिया कोतवाल संतोष राय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बोलेरो में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने अपने वाहन से तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना पाकर मौके पर 108 एम्बुलेंस भी पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से बोलेरो में फंसे सभी लोगों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना में दो लोग डॉक्टर अवधेश मोर्य व खुद के रामू की मौत हो गई, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद 6 लोग पड़कू 14 वर्षीय कमलेश 45 वर्षीय राजनाथ यादव 55 वर्षीय राजनाथ मोर्य 45 वर्षीय गंभीर रूप से होने पर उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। रेफर लोगों में 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही। पुलिस ने दोनों शवों को मौचरी में भिजवा दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज शाम को सितारगंज क्षेत्र में एक बोलेरो उधर से आ रही थी और सितारगंज क्षेत्र में वो पेड़ से जाके टकरा गई, जिसमें 12-13 लोग थे सवार और 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। और यहाँ पर जितने लोग आए उसमें से 6 लोगों की हालत सीरियस थी, गंभीर रूप से घायल थे लोग, तो उनका यहाँ इलाज करने के बाद उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रिफर कर दिया गया है और बाकी 2 लोगों का अभी यहाँ इलाज चल रहा है, जिनकी हालत ठीक है। सर कितने लोग एक्सपायर किए हैं? 2 लोग एक्सपायर हुए हैं इसमें, जो दो एक्सपायर हुए हैं वो उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। जो रेफर किया गया सर उसमें उनकी तबीयत कैसी है? जो रेफर किया गया है उनकी हालत गंभीर है। तो सर क्या मामला है? ताजपुर ग्राम के एक बड़कू पुत्र कमलेश 14 वर्ष की उम्र के एक लड़के को सांप ने काट लिया था, जिसके इलाज हेतु गांव के लोग एक बोलेरो गाड़ी से लेकर के बलिया खुर्द गांव में गए थे, जहां पे डॉक्टर अवधेश उन सभी को लेकर के सती माई मंदिर के पे आ रहे थे और रास्ते में मुजफ्फरपुर में जो बोलेरो थी वो एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोग बनारस रेफर किए गए हैं। एक जिनकी स्थिति ठीक थी लेकिन उनके परिजन चाहते थे कि उनको ट्रामा सेंटर ले जाएं, तो उनको भी उनके परिजन ट्रामा सेंटर ले गए हैं। दोनों मृतकों के शव को मर्चरी में चकिया अस्पताल में रखा दिया गया है। शेष आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है।